नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैंने जो बाइसेल सिग्नल कम स्क्रीनर बनाया उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है उसको आप लोग देख को आप लोग को दिखाता हूँ। इधर एफएनओ स्टॉक्स जितना सारा एफएनओ स्टॉक्स है उसका लेवल रहता है, फ्यूचर्स का लेवल रहता है, कमोडिटी का लेवल रहता है और निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल रहता है। तो इसका बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा और सेल का एंट्री लेवल भी बीच में रहेगा। टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ रहता है, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट डाले तरफ रहता है। और इधर आप लोग गैप और गैप डाउन को कंसीडर कर ले सकते हैं। सोच लीजिए एस सी सी 1552 में क्लोज हुआ है, उसका सोच लीजिए इधर 56 के 61 के बीच में ओपन हुआ, तो 61 के ऊपर 77 के लिए आप लोग देख सकता है। और तो ये है कि सोच लीजिए 54 में ये ओपन हुआ है, 54 में आप लोग ये भी चुन सकता है कि 50 के ऊपर 54 मतलब बड़ा टारगेट कौन सा है उसमें आप लोग इंतजार कर सकते हैं। लेकिन टारगेट फोर्स के लेके लेकिन इधर सोच लीजिए 77 हुआ है, तो आप लोग 1608 के ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं है तो ये क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इंटरनेट का हिसाब से आप लोग कर सकता है। सेकेंडली देखिए इसको कैसे स्क्रीन किया जा सकता है। और जो फ्यूचर्स का लेवल रहता है इधर जो नीचे जो ये फ्यूचर्स का लेवल रहता है एंड ऑफ द डे अपडेट होता है, क्योंकि लाइव मार्केट में इसका एनएससी इंडिया से डाटा नहीं मिलता है। लेकिन मैंने दे देता हूँ जो लोग मेरा फिटर ग्रुप में है उसका और या फिस मतलब फिट सर्विस में इंटरेस्टेड है, मैंने वो मार्केट वॉच से लेके हाई लो देख के मैंने कर देता हूँ। एनीवे तो इधर इसीलिए इसमें से कुछ पैरामीटर इधर नहीं मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। इधर देखिए इधर ऐसे है कि इधर के सोच लीजिए 30 डेज का डाटा ऐसा नहीं मिलता है, तो इसीलिए इसका ये सब पैरामीटर नहीं मिलता है। लेकिन ऑन डे का बाई सेल लेवल इसका मिल जाता है। और आप लोग कैश का लेवल देख के ऑप्शन और फ्यूचर में आराम से ट्रेड कर सकते हैं कैश का लेवल देख के। जब बाई का लेवल स्टॉक में कैश में आएगा तो फ्यूचर्स ऑप्शन में आप लोग कर सकते हैं। देखिए इसको क्लीन कैसे किया जा सकता है, आप लोग इसको बहुत सी तरीका से स्क्रीन कर सकते हैं। फर्स्टली तो सोच लीजिए आप लोग चाहेंगे तो इसका 100 का ऊपर प्राइस जो स्टॉक्स है उसको लेके आप लोग स्क्रीन कर सकता है। इधर सोच लीजिए 100 बैठेगा तो ओके मारेंगे तो आप लोग 100 के ऊपर जो स्टॉक्स है उसका लेवल आ जाएगा। सॉरी इसका फिल्टर मैंने दूसरे जगह बैठा तो इधर फिल्टर लगाना है। और उसके बाद सोच लीजिए आप लोग एलटीपी का पोजीशन मतलब टारगेट वन का ये टारगेट वन का जो करंट प्राइस चल रहा है टारगेट वन के टारगेट टू में है या बाई एंट्री लेवल बाई का लेवल और टारगेट वन के बीच में है या टारगेट वन टारगेट टू लेवल है उसका आप लोग इधर से स्क्रीन कर सकता है। फॉल्स को हटा देंगे तो सब टू आ जाएगा। उसके बाद सेल साइड में भी ऐसा होगा। और इधर देखिए इस पर वोलेटिलिटी देख के सोच लीजिए इंटरे में आप लोग 2 के ऊपर वोलेटिलिटी चाहिए तो इधर 2 बैठेंगे तो ओके मारेंगे तो इसका आ जाएगा। डिलीवरी परसेंटेज 20 के नीचे चाहिए तो 20 के नीचे आप लोग इसको आ जाएगा। और टिपिकल प्राइस ये देख के आप लोग सोच लीजिए 0 मारेंगे तो इसका जो टिपिकल प्राइस है बाई साइड और सेल साइड में ये आ जाएगा, तो इसका एक ट्रेंड आप लोग को आ जाएगा। और उसके बाद देखिए इधर जो जितना सारा इंडिकेटर है उसका लेवल देख के भी आप लोग स्क्रीन कर सकते हैं। सोच लीजिए इधर 210 डेमा क्रॉस ओवर, इधर ये सब हटा देखे ओनली 1 रखेंगे उसको स्क्रीन हो जाएगा। और ये भी सब है एक ही जैसा है 1020 डीएमए 1020 एसएमए वो भी कर सकता है। और प्रोबेबिलिटी भी आप लोग देख सकता है प्रोबेबिलिटी का जो आप या डाउन साइड में ये भी आप लोग स्क्रीन कर सकता है। और उसके बाद ये में 5813 क्रॉस ओवर ये भी आप लोग स्क्रीन कर सकता है। टू देखे अब इधर आप लोग टू देंगे तो ये टू आ जाएगा, सब टू आ जाएगा, ओनली टू रखेंगे बाकी सब हटा देंगे तो आ जाएगा। और उसके बाद देखिए सोच लीजिए पिवट पॉइंट और पीवी कौन सा एलटीपी का पोजीशन यार एलटीपी का पोजीशन पिवट पॉइंट का लेवल से फिबोनाची पिवट पॉइंट का लेवल से इस सब से भी आप लोग स्क्रीन कर सकता है।